अभी हम लोग अल्बेनिया पहुंच गए हैं। सारे लोग ये अपना अपना सामान लेके नीचे उतर रहे हैं। पता नहीं अभी अपनी बारी आएगी तब उतरेंगे सामान लेके। अभी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। बाद में हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे इधर एंड बोर्डिंग पास चेक करेंगे एंड बाद में देखते हैं कब बैगेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और क्या क्या सिक्योरिटी चेकिंग क्या क्या होता है। पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। इधर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। आगे हमको पासपोर्ट दिखाना है एंड बोर्डिंग पास दिखाना है। बाद में हमको आगे जाके हमारा बैगेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी बैगेज का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कई देर से खड़े हैं इधर, लेकिन हमारी बैग आ ही नहीं रही है। पता नहीं कब आएगी। कई कई बैग तो इधर बीच में गिर जाती है। यह है तिराना का एयरपोर्ट जो कि है अल्बेनिया में। अभी जेपी और अमन तो आरटीपी शेयर का देखने गए हैं कहाँ है और कैसे है करके। तो बाद में हम पहले ऑटो पे जाएंगे, फ्रेश होकर वापस आएंगे आरटीपीसीआर का करने के लिए, आरटीपी शेयर करने के लिए। तो अभी हम होटल जा रहे हैं, फ्रेश होकर वापस जाएंगे आरटीपीसीआर करने के लिए। होटल का नाम है आर्क होटल जो कि है 5 स्टार। देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है, कौन सी सुविधाएँ हैं। तो अभी यहाँ पे चेक इन करके सारा सामान रख के हम जाएंगे आरटीपीसीआर के लिए। तो अभी हम लोग फ्रेश होकर आरटीपीसीआर के लिए तो जा रहे हैं। पता नहीं उधर कितनी लाइन होगी। जेपी तो बोल रहा था कि शायद 1 आध घंटा तो हमको लाइन में लग ही जाएगा, बाद में 1.5 घंटा तो रिपोर्ट आने में लगेगा। तब तक हम शाम को खाना खा के आ जाएंगे एंड बाद में रिपोर्ट ले लेंगे। बस नेगेटिव आ जाए तो अच्छा है, बस शांति हो मन में। इधर इधर आरटीपीसीआर करवाने जाना है हमको।
तो आरटीपीसीआर करवा लिया है हमने, उसके लगे हमको 35 यूरो, तो घर से मैं 100 यूरो तो ले आया था, तो 35 यूरो तो इसमें खर्च हो गए। एंड शाम को जब खाने के लिए आएंगे 1.5 घंटे के बाद, तब हम ले लेंगे रिपोर्ट आरटीपीसीआर का। होटल पे पहुंच गए मैं और जेपी साथ में रूम में, तो हमारा आरटीपीसीआर तो 1.5 घंटे के बाद देंगे। तो अभी बजे 6 एंड इंडिया में बजे है 9:30। पीना लेना छोड़ेगा तो 7 बजे हम जाएंगे आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लेंगे और बाहर कुछ खाना खाएंगे और शाम को आ जाएंगे। बाद में अराइव कैन ऐप में थोड़ी डिटेल भरनी है वो करेंगे और बाद में नहा के फ्रेश होकर सो जाएंगे। तो अभी बजे है 7:30 एंड हम जा रहे हैं आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लेने के लिए। बस नेगेटिव आ जाए तो अच्छा है, एंड बाद में खाना ढूंढेंगे क्योंकि ज़्यादातर इधर नॉन वेजिटेरियन होता है, तो हमको वेजिटेरियन खाना ढूंढना पड़ेगा, वो भी एक्सपेंसिव होगा। देखते हैं क्या मिलता है, मुझे नहीं लगता है अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन देखते हैं क्या सीन है। तो ये एक मिला है वेज स्लाइस जो कि बकवास से भी गंदा है, गंदा पूरा। तो अभी खाना खा लिया है, बहुत ही बकवास लगा हमको तो वो। थोड़ा सा खाना खाया, ज़्यादा तो नहीं खाया। अभी होटल पे जाके कुछ नाश्ता इंडिया से लाए वो खाएंगे, बाद में देखते हैं अराइव करने में भी सारा कुछ अपडेट करना है, देखते हैं उधर जाके क्या सीन होता है। ये है फ्रिज जो हमारे होटल के रूम में ही अवेलेबल है, लेकिन अभी इसमें से हम कुछ लेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ जी दोस्तों, तो अभी बजे है यहाँ पे 5:15 एंड इंडिया में बजे है 9:15 सुबह के। तो अभी हम उठे 5 बजे एंड नहा धो के रेडी होते हैं क्योंकि 6 बजे एयरपोर्ट पर जाना है। 2-3 घंटे तो हमें लगेंगे चेक इन में, बैग चेकिंग में, इमिग्रेशन में, सिक्योरिटी चेकिंग में। तो 9 बजे हमारी फ्लाइट है, तो रेडी होते हैं एंड अभी बाद में जाते हैं एयरपोर्ट पर। ब्रेकफास्ट तो हमें नीचे से ही लेना है, पैकिंग करके रखा होगा उन लोगों ने, होटल वालों ने, तो उधर से लेके एयरपोर्ट पे जब बैठेंगे तब खा लेंगे, ब्रेकफास्ट तो कर लेंगे। एंड 9 बजे हमारी फ्लाइट है 2 घंटे के लिए, 9 से 11 बजे तक फ्लाइट है। 11 बजे हम पहुँचेंगे वर्सो पोलैंड, उधर 6 घंटे का होल्ड है। बाद में फ्लाइट है वर्सो टू टोरंटो जो कि है 9 घंटे की। तो होते हैं रेडी। तो अभी बैग चेकिंग के लिए लाइन शुरू हो चुकी है एंड हम अभी लाइन में खड़े हैं। देखते हैं कौन कौन से बैग चेक करते हैं। इंडिया में तो बहुत दिक्कत वाला काम हो गया था हमारा, तो देखते हैं इधर क्या सीन होता है। तो बैग चेक हो चुके हैं एंड इधर तो जो 20-20 केजी के थे उसमें 23-23 की जो अलाउड है, एंड जो केबिन बैग हाथ में होता है वो, एंड लैपटॉप बैग तो चेक ही नहीं किया है, वो तो हमारे साथ में ही रह गया, तो अच्छा था इधर इंडिया से। तो बैग चेक करते वक्त ही हमको बोर्डिंग पास तो दे दिया है एंड
इधर के लिए भी दे दिया है एंड पोलैंड के लिए भी दे दिया है। तो अभी आके हमको बोर्डिंग पास चेक करेंगे एंड हमारा पासपोर्ट चेक कर। तो ये रहे हमारे दोनों बोर्डिंग पास। तो ये फ़्लाइट तो अच्छी है, उन दोनों फ्लाइट से तो बहुत अच्छी है। तो अभी हमारा खाना आ चुका है, बन एंड अंदर जाम है एंड पानी भी दिया है। तो अभी पोलैंड आ गए हैं हम लोग एंड इधर हमको 6 घंटे का होल्ड है। तो देखते हैं कैसे निकलते 6 घंटे का। ये एयरपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है अल्बेनिया से। अल्बेनिया का एयरपोर्ट तो बहुत ही छोटा था, ये बहुत बड़ा है। इधर तो 6 घंटे ऐसे निकल जाएंगे बस घूमने में, देखने में, एयरपोर्ट घूमने में ही। तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी इस लोग को एंड करते हैं।